शायद प्रशासन वालों को और सरकार वालों को इस बात का खबर नहीं है कि अब हम लोग डरने वाले में से नहीं है, क्योंकि हमारे टाइगर जयराम दादा हम झारखंडियों के बीच में जो विचारधारा लाने का काम किए वो काफी मजबूत विचारधारा है, और आज भी हम लोग हंसी खुशी ऐसे लाठी डंडा और केस मुकदमा लेने के लिए तैयार है। और जहां पर भी जिस भी कोने में झारखंड के किसी भी कोने में अगर किसी भी दबे कुचले शोषित वंचित का अगर हम लोग आवाज बन पाए तो हम लोग आवाज बन के उनके ऊपर हमेशा आरोप लगता है कि एक जाति का पार्टी है, महतो जाति का पार्टी है, लेकिन जब आदिवासी दो युवा की मौत हो जाती है तो आज वो जो लोग टीका टिप्पणी करते हैं वो लोग क्यों नहीं आते उनके साथ खड़ा होने के तर्ज पे। जिस तरह से जमशेदपुर में निकला झारखंड स्वाभिमान यात्रा उसी के तर्ज पे हम लोग आने वाले दिनों में टाइगर जयराम दा की उपस्थिति में हम लोग रामगढ़ से शहर होते करते नेशनल हाईवे 23 होते करते हम लोग गोला के डीबीसी चौक में प्रशासन का पुतला दान करेंगे और राज्य सरकार का पुतला दान करने का काम करेंगे। जो दो आदिवासी लड़कों की मौत हो गई पुलिस के वाहन के द्वारा, लेकिन पुलिस के लोग अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं, वो भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि अज्ञात वाहन था और जो लोगों का मौत हो गया वो अज्ञात वाहन। मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष भी है हमारे साथ जेएलकेएम के, क्या कहिएगा दादा, आप भी पहुंचे हैं आज रामगढ़ विधानसभा का जो मामला है इसमें आप भी समर्थन देने के लिए कैंडल मार्च में पहुंचे, इस मामले को लेकर आप क्या करता है? स्थानीयता की बात करता है तो बस जेएलकेएम पार्टी बात कर रहा है जयराम महतो का, और जयराम महतो कोई एस्टेब्लिश लीडर नहीं था, ना किसी तरह का वो वार्ड मेंबर है, ना किसी तरह का कोई भी संवैधानिक पद में है, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी है, लेकिन आज जनमानस उनके साथ में है, एक लोकतंत्र का बड़ा हिस्सा उनके साथ में है, कहीं ना कहीं वो झारखंडी हित का बात कर रहे हैं तभी उनके साथ में लोग जुड़ रहे हैं, और बाकी पार्टियों ने छलने का काम किया है। और रहा बात जातिवाद का तो जयराम महतो, तो दोस्तों हम लोग रामगढ़ कॉलेज गेट से चलते हुए देख सकते हैं सुभाष चौक के सामने पहुंच चुके हैं, कुछ दादा लोग हैं यहाँ पे, इन लोग से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ जो ये मामला है इसको लेकर ये क्या कहना चाहते हैं। देख सकते हैं रामगढ़ जिला के जिला प्रवक्ता भी यहाँ मौजूद है, पांडव महतो भी है, इनसे जानते हैं। पांडव दा, आप लोग कैंडल मार्च करते हुए रामगढ़ कॉलेज गेट से अभी आप सुभाष चौक तक पहुंचे हैं, और ये जो मामला है आप ही के थाना क्षेत्र का है, आप ही गोला थाना क्षेत्र से आते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मामला को लेकर? देखिए इस मामला को लेकर के हम सबसे पहले अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं, और जिस तरीके से पुलिस की बर्बर निर्मम तरीके से, प्रशासन के निर्मम तरीके से जिस तरीके से हमारे जो दो संथाली भाइयों के साथ जिस तरीके से जो अजीत हेम्ब्रम और सागर हेम्ब्रम के साथ क्रूरता पूर्वक गाड़ी चढ़ा दिया गया, उस पर हम लोग यही कहना चाहेंगे कि इस एक मौन जुलूस के लेकर कैंडल मार्च को लेकर के हम यही कहना चाहेंगे कि प्रशासन अपना रवैया से सुधार करे, और जो अपना नीति नियम है वो कानून व्यवस्था है, वो कानून व्यवस्था के साथ जनता के साथ आए, बस यही कहेंगे। अच्छा, बिना दोष का लगातार देख रहे हैं कि फर्जी FIR जो जेएलकेएम के लोगों के ऊपर हो रहा है, कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश है क्या सरकार की? ये निसंदेह इसमें कोई दुराय नहीं, सरकार जान गई है, सरकार डरी हुई है, वो जान रही है कि जेएलकेएम को हमको जो भी व्यवस्था हो जिस भी तरीका हो जेएलकेएम को हमको दबाना है, चाहे उसका लाठी मारना पड़े, उसका माथा फोड़ना पड़े, या फिर किसी को गोली मारना पड़े, इसके लिए भी सरकार तैयार है, और पूरी साजिश के साथ पूरी प्लानिंग के तहत जेएलकेएम को दबाने के लिए आप लगातार देख रहे हैं, कभी हमारे टाइगर जयराम महतो पर अटैक होता है, कभी देवेंद्र भैया पर अटैक होता है, उसी तरीके से लगातार जेएलकेएम के जो भी साथी हैं जो शोषित और वंचित और जो हमारे इस तरीके से दर्दनाक मौत हो जाती है उन पर जो आवाज उठाते हैं उन पर लगातार हमला किया जाता है पार्टी को दबाने के लिए। क्या लगता है जो दो आदिवासी लड़कों की मौत हो गई पुलिस के वाहन के द्वारा, लेकिन पुलिस के लोग अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं, वो भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि अज्ञात वाहन था और जो लोगों का मौत हो गया वो अज्ञात वाहन था? देखिए ये सबसे बड़ी चीज है, पुलिस अपना दोस्त को बचाने के लिए वो अज्ञात वाहन का रूप दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनमें थोड़ा सा भी अगर नैतिकता है, थोड़ा सा भी अगर उनमें सत्यता है तो उनको इससे बाहर आना चाहिए, और हम यही कहेंगे इस राज्य में आदिवासी का मुख्यमंत्री है, आदिवासी का राज है, और दो आदिवासी भाई जो कि वही सोरेन परिवार से आते हैं अजीत हेम्ब्रम और सागर हेम्ब्रम, उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। हम आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन के साथ साथ झारखंड सरकार को ये आगाह करते हैं कि वैसे पीड़ित व्यक्ति के साथ मृत परिवार के साथ सरकार को सपोर्ट करना चाहिए और उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष भी है हमारे साथ जेएलकेएम के, क्या कहिएगा दादा, आप भी पहुंचे हैं आज रामगढ़ विधानसभा का जो मामला है इसमें आप भी समर्थन देने के लिए कैंडल मार्च में पहुंचे, इस मामले को लेकर आप क्या कहिएगा? जी, जैसा कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार ये कैंडल मार्च निकाला गया है रामगढ़ कॉलेज से लेके आपका सुभाष चौक तक, और मैं यही देख रहा हूँ कि आने के बाद पता चला है कि पुलिस की बर्बरता पूर्वक रवैये के चलते हमारे कुछ साथी के ऊपर फर्जी केस भी किया गया, लाठीचार्ज भी किया गया। हमारे केंद्रीय प्रवक्ता संतोष महतो अभी भी रिम्स में
भर्ती हैं, और साथ ही साथ जो दो भाई हमारे आदिवासी भाइयों की हत्या हुई आदिवासी सरकार होने के बावजूद, सागर हेम्ब्रम और अजीत हेम्ब्रम, मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा और पुलिस प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि उनको अविलंब उनको एक मुआवजा के तौर पर राशि दी जाए और साथ ही साथ जो दोषी है उनको उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आदिवासी सरकार है वर्तमान में और जो सरकार है अभी झारखंड की, उनका पैतृक आवास भी आप ही के विधानसभा यानी रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आता है। जब मामला होता है कि आदिवासी लोगों के ऊपर अन्याय होता है तो आदिवासी सरकार चुप बैठती है, और जब आप लोग आंदोलन करते हैं तो आप लोगों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगती है इस पार्टी के ऊपर कि एक जाति का पार्टी है, और कहीं ना कहीं आप अल्पसंख्यक मोर्चा से आते हैं और आप एक अध्यक्ष भी है, केंद्रीय अध्यक्ष भी है, तो इसको लेकर आप क्या कहिएगा? जी जी, ये देखिए, ये अभी जो कार्रवाई की जा रही है ये सिर्फ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के साथियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, जो कि एक बेहद ही शर्मनाक है। अगर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि मैं एक अल्पसंख्यक समाज से आता हूं और साथ ही साथ जितने भी मेरे साथी लोग हैं जिनकी गाड़ी से कुचलकर मौत हुई है वो साथी हमारे आदिवासी हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग सब मिलकर एक लड़ाई लड़ रहे हैं झारखंड और झारखंडियत के लिए। तो हमारे जो वर्तमान सरकार है, आदिवासी सरकार है, उनको भी ये चीज़ सोचना चाहिए कि कौन हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और कौन हमारे झारखंडियों के साथ हक अधिकार के लिए खड़े हैं। तो एक एक चुन एक एक स्पेसिफाई करके किसी एक पार्टी विशेष के लोगों को कह सकते हैं कि उनको चुन चुन कर उनके ऊपर आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, उनके खिलाफ फर्जी केस करना, ये बेहद ही शर्मनाक है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन के सारे पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि हमारे साथियों के ऊपर जो फर्जी केस किया गया उनको अविलंब उस केस को हटाया जाए, और साथ ही साथ जो दो साथी आदिवासी साथी हमारे जिनकी मौत हुई है उनको मुआवजा का प्रबंध किया जाए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, यही मेरा कहना होगा। चलिए, कुछ और भी लोग हैं, आइए बात करते हैं, इन लोग से भी जानने का प्रयास करते हैं। रविदा है मौजूद यहाँ पे, देख सकते हैं सुभाष चौक के सामने। रविदा, क्या कहिएगा जो ये मामला है, कहीं ना कहीं जो संथाली युवकों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है प्रशासन, जानबूझ के उनको पैसा मांगा जाता है और जब पैसा देने से मना किया जाता है तो इस तरह का व्यवहार किया जाता है प्रशासन के द्वारा, इस पर आप क्या कहिएगा? ये कहीं ना कहीं सरासर गलत है और ये प्रशासन की नीतियों पे सवाल खड़ा होता है। आप पब्लिक प्रोटेक्शन के लिए हैं, अगर इस तरह से आप पब्लिक को कुचलेंगे तो ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है और ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, और इनके साथ में न्याय होना चाहिए और वही सब उन्हीं का न्याय के लिए आज हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च निकाले थे कॉलेज गेट से लेकर सुभाष चौक तक। आपके JLKM के जो कहा जाए केंद्रीय प्रवक्ता भी हैं संतोष महतो, उनको गंभीर रूप से मारा गया, जैसा कि संविधानिक तौर पे कहा जाए तो कमर से ऊपर लाठीचार्ज नहीं करना है प्रशासन नहीं करता है, लेकिन देखा गया कि उनका माथा से भारी चोट भी लगा और पूरा शरीर उनका खून से भींग गया था, और कहीं ना कहीं उनको टारगेट करके ही मारा गया है, और कहीं ना कहीं वो उस भीड़ को नेतृत्व कर रहे थे और बातों को मुखरता पूर्वक रख रहे थे और प्रशासन की गलतियों को बतला रहे थे कि आपने क्या गलती किया है, लोगों के साथ में क्या न्याय होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उनको लगा कि एक संथाल समाज का तो लोग आगे आके नेतृत्व नहीं कर रहा, लेकिन एक युवा है जो नेतृत्व कर रहा है, इनको रास्ता दिखा रहा है और प्रशासन के खिलाफ में बोल रहा है, जो कि और जो जेन्युइन है प्रशासन के खिलाफ में ही वो बोले तो कहीं गलत नहीं बोले। अब प्रशासन को लगा कि ये हमारे खिलाफ में आवाज़ उठा रहा है तो कहीं ना कहीं उनको दबाना जरूरी था, आगे कोई आवाज़ नहीं उठाया, इसलिए उनके आवाज़ को दबाने के लिए उन पर जबरन लाठीचार्ज किया गया, कहीं ना कहीं हत्या का भी इरादा हो सकता है जैसा सर पर मारा गया है। JLKM के ऊपर हमेशा आरोप लगता है कि एक जाति का पार्टी है, महतो जाति का पार्टी है, लेकिन जब आदिवासी दो युवा की मौत हो जाती है तो आज वो जो लोग टीका टिप्पणी करते हैं वो लोग क्यों नहीं आते उनके साथ खड़ा होने के लिए? अभी सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आप झारखंड गवर्नमेंट जो है पूरे, आप जानते हैं कि हेमंत सोरेन जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, संथाल समाज से बिलोंग करते हैं और दो युवाओं का इस तरह से कुचला जाता है, लेकिन अभी तक हेमंत सोरेन जी का ना स्टेटमेंट आता है, ना उसके तरफ ना उनके पार्टी की तरफ से किन्हीं का स्टेटमेंट आता है, ना उनके किसी तरह का जिला प्रशासन की तरफ से किसी तरह का ना कोई स्टेटमेंट आता है, ना यहाँ का जो DC महोदय है उनके तरफ से भी कोई संज्ञान में नहीं लिया जाता है इस मामले को। तो अंततः JLKM जो है सामने आती है, उनकी बातों को रखती है और कहीं ना कहीं मौन है सरकार, अपने नाकामियों को छुपाना चाह रही है, और सरकार भी समझ रही है कि आदिवासी युवा के साथ में छलने का काम हुआ है, अगर उनके साथ में वो न्याय नहीं करती है तो वोट बैंक की राजनीति कर रही है सरकार यहाँ पे, या फिर जो भी पार्टियां हैं जो सत्ताधारी दल हैं अगर उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रही है तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि आप आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री बने हुए हैं लेकिन आप आदिवासी समाज का हित का बात भी नहीं कर रहे हैं। तो सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए,
माननीय मुख्यमंत्री जी को भी संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि वह उनका गृह प्रखंड था और बात अभी रामगढ़ तक ही सीमित नहीं रह चुका है, ये पूरे झारखंड में फैल चुका है। और अभी मुख्यमंत्री जी संज्ञान में नहीं लेते हैं तो फिर क्या फायदा आदिवासी राइज होने का, या फिर झारखंड जो हम लोग हैं जिस उद्देश्य से अलग हुए थे, अगर आदिवासियों को भी न्याय नहीं मिल पाता, बाकी को तो छोड़िए, अगर आदिवासियों को भी न्याय नहीं मिल पाता तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या इसी तरह से आदिवासी सरकार आदिवासी लोगों को छलने का काम करेगी, कभी मैया योजना, कभी ये कभी वो कर करके और आदिवासी का वोट लेने का प्रयास करती है सरकार, लेकिन जब इस तरह की मामला सामने आती है तो बोल देती है कि वो पार्टी इस जाति का, ये पार्टी इस जाति का, और तरह तरह से लोगों को बांट के और कहा जाए कि झारखंड के लोगों को बुड़बक बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं आज झारखंड में आप एक चीज आप देखते होंगे था कि झारखंड में आज जातिगत राजनीति लोग किया है, इसी वजह से आज अभी भी किसी भी एक दल का नेतृत्व यहाँ पे नहीं रहा है। इस 24 साल के झारखंड में 19 साल कोएलिएशन गवर्नमेंट रहा है, मिली जुली सरकार रहा, इसी तरह का टूट का राजनीति किया गया, फूट का राजनीति किया गया, कहीं ना कहीं कोई जाति के आधार पर बांट लिया, कोई धर्म के आधार पर बांट लिया, और अभी झारखंडी मुद्दा को लेकर कोई झारखंडी एकजुट होकर कोई पार्टी काम नहीं किया। और अभी भी आप देखते होंगे कि झारखंड अलग राज्य है लेकिन यहाँ पे एक क्षेत्रीय दल के रूप में सिर्फ जेएलकेएम इस्टेब्लिश है, बाकी कोई दल नहीं है। अगर जेएमएम की बात करेंगे तो यूपीए गठबंधन में है, अगर आसू की बात करेंगे तो एनडीए गठबंधन में है, तो क्षेत्रीयता की वो बात ही नहीं रखते हैं, क्षेत्रीयता मुद्दा कौन हो चुका है। अगर क्षेत्रीयता की बात करता है, स्थानीयता की बात करता है तो वो बस जेएलकेएम पार्टी बात कर रहा है जयराम महतो का, और जयराम महतो कोई इस्टेब्लिश लीडर नहीं था, ना किसी तरह का वार्ड मेंबर है, ना किसी तरह का कोई भी संवैधानिक पद में है, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी है, लेकिन आज जनमानस उनके साथ में है, एक लोकतंत्र का बड़ा हिस्सा उनके साथ में है, कहीं ना कहीं वो झारखंडी हित का बात कर रहे हैं तभी उनके साथ में लोग जुड़ रहे हैं, और बाकी पार्टियों ने छलने का काम किया है। और रहा बात जातिवाद का, तो जयराम महतो आप देख ही रहे होंगे कि आम हुआ है, वो संवैधानिक पावर में है नहीं, तो विपक्षी उनको डैमेज कैसे करें, तो बस एक ठप्पा लगा देते हैं भाई वो महतो जाति की राजनीति करता है, बाकी उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, कहीं सरकार में नहीं है, कहीं किसी तरह का कोई योजना पे काम नहीं किया, तो क्या मुद्दा लगाएंगे। वो नया उभरता हुआ युवा है जो झारखंडी हित का बात कर रहा है, तो उनके पास बस एक है कि वो महतो जाति है, तो उन पे बस ठप्पा लगा दे रहा है कि भाई वो महतो जाति का राजनीति कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आज संथाली युवा के साथ में कोई खड़ा नहीं हुआ उस परिवार के साथ में, लेकिन जेल कैम्प खड़ा हुआ है, मेरा नेता अभी अतमरा स्थिति में भी पड़ा हुआ है, संतोष महतो जी, वसीम नंदन मुंडा जी पूरी तरह से घायल हुए हैं, वो भी आदिवासी समाज से ही आते हैं, लेकिन उनको भी नहीं छोड़ा गया, उनको भी बर्बरता पूर्वक पीटा गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दादा, इधर 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 बानेसर दा क्या कहना चाहिएगा जो फर्जी एफआईआर जेएलकेएम के ऊपर सबसे ज्यादा कहा जाए तो आपने सहा होगा, हमें जहां तक लगता है शुरू से आप आंदोलन कर रहे हैं, तो फर्जी एफआईआर को लेकर आप क्या कहिएगा? देखिए फर्जी एफआईआर को लेकर हम यही कहेंगे कि प्रशासन के लोग कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के दलालों के साथ में मिल करके और जो सरकार में बैठे हैं वह उन लोगों के साथ में मिल करके और हमारी आवाजों को दबाने का एक प्रयास है। जिस तरह से आप देखे होंगे कि बीते दिन दो आदिवासी युवकों को प्रशासन का पीसीआर गाड़ी, पुलिस प्रशासन का पीसीआर गाड़ी पीसीआर नंबर 9, वो पीछे से रंगदारी न देने के वजह से पीछे से जाती है और ठोकर मारती है, तो वो लोग जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद जब अगल बगल के लोग देखते हैं, आसपास के लोग आवाज देते हैं, तो वो प्रशासन का गाड़ी बचाव को लेकर के जब भागता है तो दोबारा उन लोगों को रौंदते हुए निकल जाता है। और हम लोग उन परिवार जो मर गए उन आदिवासी भाइयों के परिवार के साथ खड़े हुए, हमारा जेबीके से जेल कैंप का टीम पूरा खड़ा हुआ ग्रामीणों के साथ में, उनके परिवार वालों के साथ में। उसके बाद हम लोगों ने जब न्याय की मांग की, उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, उनका जो मौत का कारण है, जो मौत खुलासा होना चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, दोषियों पे कार्रवाई होना चाहिए, इस चीज को लेकर हम लोग प्रोटेस्ट में थे। हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, फर्जी एफआईआर, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के आवाज को दबाने का काम कर रहे प्रशासन, लेकिन शायद प्रशासन वालों को और सरकार वालों को इस बात का खबर नहीं है कि अब हम लोग डरने वाले में से नहीं है, क्योंकि हमारे टाइगर जयराम दादा हम झारखंडियों के बीच में जो विचारधारा लाने का काम किया वो काफी मजबूत विचारधारा है, और आज भी हम लोग हंसी खुशी ऐसे लाठी डंडा और केस मुकदमा लेने के लिए तैयार है। और जहां पर भी जिस भी कोने में झारखंड के किसी भी कोने में अगर किसी भी दबे कुचले शोषित वंचित का अगर हम लोग आवाज बन पाए तो हम लोग आवाज बनेंगे और मरते दम तक बनेंगे, तो हमारा यही संकल्प रहा। आदिवासी सरकार है दादा, आप ही के विधानसभा क्षेत्र में जो वर्तमान के सरकार है उनका भी विधानसभा क्षेत्र आप ही का क्षेत्र हुआ, उसके बावजूद जब आदिवासी लोगों की मौत हो जाती है
तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आपके पार्टी पे ये टैग लगा देते हैं कि एक जाति का पार्टी है, तो आज वो लोग क्यों नहीं आए, इन लोग के साथ खड़ा होने के लिए क्यों नहीं है? जब आदिवासी की मौत होती है, कुछ भी होता है, तो जो जातिवाद का टैग लगाते हैं वो लोग क्यों नहीं आते इनके मदद करने? देखिए, जातिवाद का टैग वही राजनीतिक लोग लगाते हैं जो दूसरे दल के हैं, जिनको हमारे हमारे कार्यक्रमों से, हमारे आंदोलनों से, हमारे बढ़ती विचारधारा से, हमारे फैल रहे विचारधारा से जिनको प्रॉब्लम है, जो लोग खाते पीते आए हैं, जिन लोगों का यही दलालीगिरी से, यही चमचागिरी से, या फिर यूं कहे तो यही रॉयल्टी से पेट चल रहा है, घर चल रहा है, वैसे लोगों को तकलीफ हो रही है। चूंकि हम लोग निष्पक्ष तरीके से काम करते आ रहे हैं, लोगों का आवाज बन रहे हैं, तो वे चीज उन लोगों को पसंद नहीं आ रहा। चूंकि हेमंत सोरेन का पैतृक आवाज देखा जाए, बाप दादा उसका परदादा यही सिरा गया, यही रामगढ़ जिला नेमरा गांव यही है उनका, और वो भी एक आदिवासी परिवार से। लेकिन शर्म आता हमको लोगों को ऐसे मुख्यमंत्री पे कि उनका एक आदिवासी दो भाई को दिन दहाड़े बोलिए प्रशासन के लोग पीसीआर भेन मार देती है और मुख्यमंत्री अभी तक मौन है। ये कहीं ना कहीं शर्म का विषय है। आज आप लोगों ने शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला रामगढ़ कॉलेज गेट से लेकर सुभाष चौक तक, अगर प्रशासन या फिर के सरकार के लोग इसमें सुधार नहीं करते हैं, लगातार फिर से आप लोगों के ऊपर फर्जी एफआईआर करती है, तो आगे आप लोग क्या कदम उठाएंगे? हम देखिए, इसके बाद हम लोग बहुत ही इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे और सड़क में उतरेंगे और हजारों लाखों की तादाद में उतरेंगे। जिस तरह से एक कोई आदमी था जो मनीष कश्यप का कार्यक्रम को लेकर के ही किया था, बिहार से बिहार स्वाभिमान यात्रा यूपी बिहार कुछ ऐसा था, तो उसी के तर्ज पे जिस तरह से जमशेदपुर में निकला झारखंड स्वाभिमान यात्रा, उसी के तर्ज पे हम लोग आने वाले दिनों में टाइगर जयराम दा की उपस्थिति में हम लोग रामगढ़ से शहर होते करते, नेशनल हाईवे 23 होते करते, हम लोग गोला के डीबीसी चौक में प्रशासन का पुतला दान करेंगे और राज्य सरकार का पुतला दान करने का काम करेंगे। चूंकि यहाँ पर देखा जा रहा है प्रशासन का मनोबल काफी बढ़ चुका है, चूंकि हम लोगों को आवाज को दबाने के लिए प्रशासन हर वो हथकंडा अपना रहा है। आज तक जितना भी हम लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ है, कहीं ना कहीं हर वो मुकदमा फर्जी है, चूंकि हम लोग न्याय को लेकर के हम लोग हर जो पीड़ित परिवार है उन लोगों के साथ में खड़े रहे हैं और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में भी खड़े रहेंगे। और सरकार यदि प्रशासन यदि हम लोगों के ऊपर इसी तरह फर्जी केस मुकदमा करती है तो हम लोग इसका पलटवार जवाब देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं यहाँ का माहौल, आप देख सकते हैं आप लोग, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद थे जो कि शांतिपूर्ण तरीके से आज कैंडल मार्च करते हुए कॉलेज गेट से सुभाष चौक तक आए थे और प्रशासन के द्वारा फिर से यहाँ पे जो भीड़ था उसको यहाँ से हटा दिया गया है। जो रवैया है वो बदलने का नाम नहीं ले रहा है। जान रही है कि यहाँ पे आकर यदि मीडियाबाजी करते हैं, लोग अपना बयान को रखते हैं, तो फिर से प्रशासन के ऊपर गाज गिर सकता है। इसीलिए पूरी तरह से यहाँ देख सकते हैं भीड़ पूरा खाली हो चुका है और आज का कैंडल मार्च यहीं तक समाप्त होता है। आगे क्या कुछ रणनीति बनाती है जेएलकेएम, तमाम खबरों पे हमारी नजरें रहेंगी। खैर, आप लोग जरूर कमेंट कीजिए कि जो आज जेएलकेएम के द्वारा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कैंडल मार्च निकाला गया उसको लेकर आप क्या कहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी को जोहार।